अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर आधारित वेब सीरीज के पांच सीजन अब तक ला चुके हैं किंतु आज से हम आरंभ कर रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के छठे सीजन का इस छठे सीजन में हम आपको आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का समय और वर्ष के अनुसार ब्यौरा देंगे जो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक तो लगेगा ही साथ ही साथ जिन दर्शकों के मन में भविष्य को जानने की उत्सुकता है वह भी शांत होगी वर्तमान समय में भविष्य मालिका पर कई प्रकार के शोध सोशल मीडिया एवं अन्य मंचों से प्राप्त हो रहे हैं और हम उन सभी विषय वस्तुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं इन भविष्यवाणियों की सत्यता सिद्ध करने का दायित्व हम आप पर सौंप रहे हैं क्योंकि जनता ही जनार्दन है तो आज भविष्य मालिका के छठे सीजन के पहले एपिसोड में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है अभिनंदन है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना एक लाख तालपत्रों पर की गई थी किंतु हमने उसमें से सारे तथ्यों को संपादित करते हुए लगभग 800 पुस्तकों की सामग्री के निष्कर्ष स्वरूप जो तथ्य प्रस्तुत हुए वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भविष्य मालिका ग्रंथ प्रभु का अपना वाक्य है परंतु केवल पंचसखाओं के ग्रंथ ही अंतिम ग्रंथ नहीं है आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व श्री जगन्नाथ भगवान ने अनंत युग का प्रथम वर्णन संत अच्युतानंद जी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे उन्होंने लिपिबद्ध किया उसके पश्चात प्रभु ने काशी मथुरा वृंदावन बद्री केदार हिमालय पंजाब द्वारिका और दक्षिण के अनेक संतों को इस ज्ञान की दीक्षा दी एवं उन्होंने अपने अनुसार असंख्य ग्रंथों की रचना की भारत सृष्टि का केंद्र है जिसका स्थान इस धरा पर वही है जो स्वर्गलोक में अमरावती का है धर्म की द्योतक यह भारत भूमि सदा से सनातन सभ्यता की चालक रही है भारत भूमि पर जन्म लेने वाली संताने ही इस भारत भूमि से सारे संसार में ज्ञान का प्रसार करती आई हैं भारत के तपस्वियों ने अनेक युग कालखंड एवं प्रलय आदि को अपने दिव्य चक्षुओं से देखा है और वे आज भी धरती पर विराजमान हैं। एक प्रकार से हमारे ये सिद्ध साधु मुनि कई युगों के प्रलय के साक्षी रहे हैं और इस बार होने वाले विध्वंस के भी वे साक्षी रहेंगे और आने वाले काल के प्रलय के भी वे साक्षी रहेंगे उनका कभी अंत नहीं हुआ क्योंकि वे अनंत हैं और कोई अनंत काल से वे इस सृष्टि के निर्माण और विध्वंस के साक्षी रहे हैं जिस प्रकार राक्षस एवं असुर शक्ति प्राप्त करते हैं सबसे पहले अमरावती में बैठे इंद्र पर वे धावा बोलते हैं ये जानते हुए भी कि स्वर्ग का सिंहासन धर्म की बैठक है और सुधर्मा सभा को भंग किए बिना त्रिलोक पर राज्य नहीं किया जा सकता ठीक वैसे ही भारत भूमि से सनातन धर्म को पूर्ण रूप से समाप्त किए बिना धरती पर कली का राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता वास्तव में कली के मार्ग में सबसे बड़े बाधक तेजस्वी ब्राह्मण एवं धर्मनिष्ठ स्त्रियां थीं क्योंकि इनके रहते अधर्म का विस्तार संभव ही नहीं था यदि एक पतिव्रता एवं धर्मनिष्ठ स्त्री समाज में फैली अराजकता को देख अपने मन में संकल्प कर ले कि मेरी गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु इस समाज को धर्म पर लाएगा और उसकी इच्छा और उसके संकल्प को सत्य सिद्ध करना स्वयं श्री हरि का कर्तव्य बन जाता है इसी प्रकार एक तेजस्वी ब्राह्मण अगर ऐसा संकल्प कर ले और उसी संकल्प के आधार पर वो शिष्य का ऐसा प्रशिक्षण आरंभ करे तो ब्राह्मण का मान रखने हेतु एक साधारण बालक में भी असाधारण प्रतिभा उद्भाषित करते हैं श्री हरि जगन्नाथ भारत के इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं तो कलि पुरुष ने सबसे पहले ब्राह्मण और स्त्री जाति की बुद्धि पर आक्रमण किया और उसी के फलस्वरूप स्त्री और ब्राह्मण का ब्रह्म तेज विलुप्त हो गया द्विजों अर्थात ब्राह्मणों के तेज एवं नारियों के शील का लोप होते ही समाज अधर्म का कूड़ा स्थली बन गया द्वापर युग में विधि द्वारा स्थापित 18 दिन का जो युद्ध नियत किया गया था वो महाभारत का युद्ध साढ़े सत्रह दिनों में ही पूरा हो गया था वह आधे दिन का युद्ध कली के अंत तथा अनंत युग के पूर्व लड़ा जाएगा इसे कली महाभारत का युद्ध कहा जाएगा अब आपको बताते हैं कि अनंत युग का दर्शन कैसे होगा और यह कैसे आता है तो अनेक चतुर्युग बीत जाने के पश्चात एक अनंत युग आता है जहां संपूर्ण धरा पर श्री अनंत माधव का राज्य होता है और धर्म अपने पांच पदों अर्थात पांच चरणों के साथ विराजता है एक कल्प में चौदह मनवंतर होते हैं एक मनवंतर में बहत्तर चतुर्युगियाँ होती हैं प्रत्येक चतुर्युग में चार युग अर्थात सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग होते हैं सत्यकाल में धर्म के चार चरण होते हैं जैसे कि सत्य तप दया एवं पवित्रता उसके पश्चात त्रेता में धर्म के तीन चरण होते हैं सत्य दया एवं पवित्रता इसके पश्चात द्वापर में धर्म के दो चरण होते हैं सत्य एवं दया एवं अंत में कलयुग का एक ही चरण रहता है और वह है सत्य का चरण इस कलयुग में धर्म के शेष तीन चरणों का लोप हो जाता है कलिकाल में वैसे तो धर्म का केवल एक पद ही सत्य बताया गया है परंतु इसी के साथ ही धर्म का भी पूर्ण लोप हो जाता है ऐसे न जाने कितने ही चतुर्युग व्यतीत होने के पश्चात आता है अनंत युग यह युग पूर्ण रूप से श्री हरि के इच्छा के अनुसार प्रकट होता है इस युग में धर्म के पांच पद होते हैं सत्य दया पवित्रता तप एवं मंत्री इसे अनंत युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनंत एवं माधव दोनों मिलकर धरती पर शासन करते हैं समस्त संसार के एक छत्र राजा श्री बलभद्र होते हैं और विधान श्री कलकी का होता है यह युग श्री कृष्ण द्वारा इसलिए बनाया गया क्योंकि किसी भी युग में भक्त लोग एवं ऋषि संप्रदायों को पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हुआ वे किसी न किसी अपनी चिंता से ग्रस्त रहे इस युग में वे सभी पूर्ण सुख का भोग करते हैं और अपने मतानुसार ईश्वर की आराधना करेंगे बिना किसी भय के तो आज के एपिसोड में बस इतना ही कल के एपिसोड में देखिए कली महाभारत कब से आरंभ होगा कल की भगवान कैसे लीला करेंगे संसार के किस क्षेत्र से कैसे कैसे लक्षण प्रकट होंगे इसी पर विस्तार से हम जानकारी प्रदान करेंगे तब तक के लिए हमें अनुमति दें नमस्कार